नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। पिछले 8 सालों में यानी कि 2014 से 2022 के बीच में कांग्रेस कितनी दुर्गति हुई, बिखरी, टूटी, बहुत सारे लोग उससे अलग हो गए, बहुत सारे लोग नाराज हो गए। लेकिन लेकिन जो प्रदर्शन हुआ कांग्रेस का शुक्रवार को, उसको देखकर ये लगा कि कांग्रेस के अंदर कुछ हरकत हुई है। दरअसल ये हरकत जो हुई है ये ईडी की डर की वजह से है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कानूनी शिकंजा जब कसना शुरू कर दिया तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की रातों की नींद उड़ गई। घंटों पूछताछ की गई और इसके काउंटर में कांग्रेस सरकार को कुछ ना कुछ तो करना था, कांग्रेस पार्टी को कुछ ना कुछ तो करना था। सो उन्होंने ऐलान किया कि इसके काउंटर में एक लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, जो सड़कों पे काले कपड़ों में शुक्रवार को दिखाई दी। और उसको रीज़न क्या दिया? रीज़न दिया बेरोजगारी, महंगाई, जिसको रोकने में सरकार विफल रही, ये कांग्रेस का कहना है। महंगाई के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च के बाद हर राज्य में इस तरह के प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई जा रही थी ताकि जनता के बीच महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जाए। लेकिन भ्रष्टाचार को मुद्दा वो बना रहे हैं और खुद वो किस कदर भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं ये वो अच्छी तरह से समझते हैं। कांग्रेस इसी महीने 9 से 15 अगस्त के बीच पद यात्रा भी निकालने जा रही है। हर जिले में कांग्रेस ही 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालेंगे और 1.5 महीने के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो पद यात्रा देश भर में निकाली जाएगी। इसके जरिए भी महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की पूरी पूरी तैयारी है, एक उनकी ये कोशिश रहेगी। 2024 तक कांग्रेस की ओर से लगातार एक के बाद एक प्रोग्राम जो है वो तय कर दिए गए हैं, जिसे सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में आसानी हो सके। इसके लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सहित देश भर के बड़े कांग्रेसी नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है। अच्छा, देश की आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस 8 साल से अधिक समय तक सत्ता के बाहर रहती है। कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पे भी अपनी पहचान नहीं बना पाई। किसी भी लोकतंत्र के लिए ये जरूरी होता है कि उसका विपक्ष जो है वो स्ट्रांग हो, लेकिन उसमें भी कांग्रेस फेल रही। एक के बाद एक राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गए, उन राज्यों में वो हार जाती है। वो केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक ही सिमट गई, जबकि झारखंड और तमिलनाडु में गठबंधन सरकार में शामिल है तमाम युवा और जनाधार वाले नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पर नेशनल हेल्थ मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। देखिए, जिस भ्रष्टाचार को वो मिलजुल करके खदेड़ने की बात कर रहे हैं लोगों में जा करके, वो भ्रष्टाचार खुद उन पे लगा हुआ है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। इस देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। राहुल और सोनिया का बचाव करने के लिए पहली बार कांग्रेस के नेता से लेकर के कार्यकर्ता तक सड़कों पर दिखाई दिए। कांग्रेस दिग्गजों ने दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सभी लोग जो दिग्गज नेता हैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस नेता देश भर में सड़कों पर नजर आए, काले कपड़ों में नजर आए। और प्रियंका गांधी तो बिल्कुल सड़क में लिटरली बैठी हुई थी, जैसे कि कोई रूठा हुआ बच्चा अपने माता पिता के हाथ छुड़ा करके सड़क पर लेट जाता है। ठीक इसी तरीके से वो दिखाई दे रही थी। पिछले 8 सालों में
2014 से 2022 के बीच कांग्रेस कैसे बिखरी और कैसे अब जब नेता पे आंच आई तो कैसे वो एकजुट हो गए, इस पर भी बात करनी बहुत ज़रूरी बनती है। मैं आपको ये चीज़ इस तरीके से समझाती हूँ कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सिंधिया, राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टी एस सिंह देव, हरियाणा में हुड्डा अशोक तंवर, पंजाब में हरमिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, उत्तराखंड में हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच गुटबाजी रही, थोड़ी बहुत भी नहीं बहुत ज़्यादा गुटबाजी रही। इसका नतीजा ये रहा कि मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा, उत्तराखंड से कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार है लेकिन उसकी जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। अच्छा, पिछले 8 साल से ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के खिलाफ कभी मुद्दे नहीं आए। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पहले भी थे लेकिन कभी भी कांग्रेसियों ने इस तरीके का संघर्ष नहीं किया, इस तरीके का मिलकर के संघर्ष उन्होंने नहीं किया जैसा कि वो अब कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 2018 में रफल रक्षा सौदा का मुद्दा उठाया था लेकिन विपक्ष की बात तो दूर, उन्हें अपने कांग्रेसी नेताओं का ही साथ नहीं मिल पाया था। इस तरह से कोरोना या अन्य मुद्दों को कांग्रेस पूरी ताकत से उठा नहीं पाई। हर राज्य में कांग्रेस के बीच खेमाबंदी सभी लोग जानते हैं, सोनिया गांधी जानती है, उनके बेटे जानते हैं, शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां पर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी ना हो। लेकिन सोनिया राहुल के गांधी के नाम पर एक दूसरे के विरोधी नेता गुटबाजी भूल करके अब मंच पे दिखाई दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रहे हैं जिससे सियासी संदेश गलत ना जाए। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव इस मुद्दे पे एकजुट नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित सभी राज्यों में कांग्रेसी नेता सोनिया और राहुल के लिए आपसी विरोध भूल करके एक फ्रंट पर वो आकर के उनका साथ दे रहे हैं। शुक्रवार को महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता से लेकर के नेता सभी काले कपड़ों में नजर आए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित तमाम कांग्रेस के नेता काले कपड़ों में नजर आए। प्रियंका गांधी तो काले कपड़े में, जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल सड़क के बीचों बीच बैठ गई थी। और 4 महीने के बाद गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके बाद 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी पर हाथ डालने के बाद कांग्रेस के सामने अब संघर्ष करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। जाहिर तौर पे फिलहाल पब्लिक कांग्रेस के साथ जुड़ने वाली नहीं है, जिसके कारण कांग्रेस की ओर से जनता में जा करके इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी है। इसके लिए कांग्रेस की ओर से लंबे संघर्ष करने की भी तैयारी की जा रही है, जिसमें जमीनी स्तर पे कांग्रेस को कहना चाहिए कि खाद पानी मिल जाए। साथ ही बेरोजगारी और महंगाई के जरिए 2022, 2023 और 2024 के चुनावी जंग को लड़ने में भी थोड़ी सी उनको मदद मिल जाए, ऐसा कांग्रेस सोच रही है। और देश की राजनीति, राजनीतिक संस्कृति है कि यदि किसी राजनेता पे आरोप सिद्ध हो जाए तो वो किनारे लग जाता है, जैसा कि लालू यादव, ओम प्रकाश चौटाला, मधु कोड़ा, सुखराम, कुछ नेताओं पे तो आरोप भी लगे हैं लेकिन साबित नहीं हो पाए। ऐसे में उन्हें सियासी तौर पे नई ऊर्जा मिली, उनकी सत्ता में वापसी हुई। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी, शिबू सोरेन और करुणानिधि और जयललिता। मोदी सरकार ने राहुल और सोनिया गांधी पे हाथ डाला है तो उसे लॉजिकली एंड पे लेके जाना पड़ेगा, ऐसा ना होने पे सरकार की किरकिरी होगी। ये भी तय है कि कांग्रेस ईडी के एक्शन को देश भर में घूम घूम करके इमोशनल तौर पे उसका लाभ उठाएगी। साथ ही देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगी, जिससे कांग्रेस जनता में केंद्र के खिलाफ अपनी बात को ठीक से रख सके। गांधी परिवार शुरू से ही खुद को कानून से ऊपर समझता रहा है, इसी के चलते नेशनल हेरल्ड मामूली गलती कर बैठा, लेकिन वो ये भूल गए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे भी होते हैं और हर जगह पहुंच भी जाते हैं। कानून का हाथ गांधी परिवार तक अब पहुंच चुका है,
यदि यदि मामला इनकम टैक्स का होता तो एक बार के लिए कोई भी व्यक्ति बच सकता था, लेकिन ये मामला ईडी का है, क्रिमिनल ऑफेंस का है, जिससे गांधी परिवार जेल ज़रूर जाएगा। जेल जाने के बाद से भ्रष्टाचार के मामले में जनता की सहानुभूति नहीं मिलती। भ्रष्टाचार का आरोप साबित होने के पर जो हम पिछला इतिहास देखें, भ्रष्टाचार का आरोप साबित होने पर लालू यादव, ओम प्रकाश चौटाला, सुखराम और मधु कोड़ा जैसे कई उदाहरण देश में मौजूद हैं जिनका सियासी सफर खत्म हो गया। महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना तो कांग्रेस का केवल एक बहाना है। पिछले 8 सालों में क्यों नहीं कांग्रेस ने विपक्ष के तौर पे ऐसा कोई धरना या प्रदर्शन किया जो वो अब कर रही है? लोग क्या मूर्ख हैं? लोग क्या ये सब समझते नहीं हैं कि ये सब अब क्यों हो रहा है? ये सब महंगाई, बेरोजगारी, इससे कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है, इससे कांग्रेसियों को कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल अपने नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बचाने के लिए इस समय जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं सड़कों पे आए हैं। और केवल ये दो नाम ही नहीं है, कुछ और नाम भी हैं। अगर हाथ सोनिया और राहुल पे पड़ता है ईडी का तो कई और लोग भी जाएंगे। तो यही वजह है कि पिछले 8 सालों में जो कांग्रेस बिखरी हुई थी वो शुक्रवार को कैसे हमें एक प्लेटफॉर्म पे नज़र आती है। कोई उनका मतलब नहीं है बेरोजगारी से, कोई मतलब नहीं है उनका भ्रष्टाचार से, क्योंकि भ्रष्टाचार में तो वो खुद यहाँ तक फंसे हुए हैं, वो क्या बात करेंगे भ्रष्टाचार की। तो दोस्तों, आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप इस कंटेंट पे अपनी राय मुझे ज़रूर देंगे। और एक बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक जल्दी पहुँचे। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।